अजमेर लोकसभा क्षेत्र के मसूदा में भाजपा की सभा में कार्यकर्ताओं की आपस में मारपीट का मामला प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच गया है। बीजेपी नेता नवीन शर्मा ने भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा पर आरोप लगाया है कि उनके समर्थकों ने उनसे मारपीट की है। शर्मा ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पहुंचकर प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात कर शिकायत दर्ज की। उधर प्रदेशाध्यक्ष सैनी ने कहा कि पूरे घटनाक्रम पर प्रभारी से रिपोर्ट मंगवाई गई है, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी ले रहा हूं कि वास्तविकता क्या है, किसी से दोषी पाए जाने पर कार्रवाई तुरंत होगी, कार्रवाई जरूर। तो वहां पे कोई हाँ, मैंने वहां जो हमारे प्रभारी हैं उनको रिपोर्ट देने के लिए फोन कर। नवीन जी ने आपको वीडियो दिखाया घटना का? नहीं, वो उसके देखने की जरूरत नहीं है, मैं रिपोर्ट मांगूंगा मेरे जो प्रभारी हैं उनसे। कुछ असामाजिक तत्व जो शायद मेरे ख्याल से जान बूझ कर और भारतीय जनता पार्टी के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, प्रत्याशी के प्रति उनकी दुर्भावना है और शायद ख्याल से मोदी जी को नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने कारण कुछ असामाजिक तत्व और गुंडों के साथ मिल करके और मंच पे मेरे साथ जबरदस्त हाथापाई की, मारपीट की और कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं था पार्टी में साथ रहकर, जबकि वो कोई बहुत पार्टी के अंदर तो कोई पदाधिकारी हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी सदस्यता है कि नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत स्पष्ट है कि पार्टी का कोई पता। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।